स्मॉल इंटेस्टाइन द फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में फूड लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है. लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग. ये 1.5 मीटर लंबी होती है और इसका जो डायामीटर होता है वो ब्रॉड होता है, वाइडर डायामीटर. वाइडर डायामीटर होने की वजह से ही इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं. जबकि ये अगर लेंथ वाइज देखा जाए तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है. लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलोम एंड रेक्टम. सीकम, कोलोम एंड रेक्टम. सीकम जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है जहां पे खत्म होती है, इट लीड्स इनटू द सीकम. अगर आप देख सकें तो दिस इज द सीकम पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. सीकम जो होता है वो लीड करता है एक अपर्चर के अंदर, जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं. और ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, इसका कोई यूज नहीं है. तो सीकम के अंदर में इट लीड्स टू द, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन द फूड एंटर्स इनटू द सीकम, द अनडाइजेस्टेड फूड एंटर्स इनटू द सीकम. एंड यहाँ पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नाम का एक वेस्टिजियल ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है. वेस्टिजियल वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है ऐसा ऑर्गन जो ह्यूमन बॉडी में पहले तो बहुत यूज आ रहा था. पहले का मतलब है हमारे एंसेस्टर्स में, ग्रैंड 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 एंसेस्टर्स के अंदर इट वॉज यूजफुल, बट नाउअडेज वी आर नॉट यूजिंग इट. सो इट इज नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन. कोलोन जो होता है उससे, सीकम लीड्स इनटू द कोलोन. कोलोन जो होता है सेक्युलस दिखाई देता है. और यहाँ पर आप देख सकते हो सीकम और कोलोन में डिफरेंस है. सीकम वाइडर पार्ट होता है और कोलोन जो है वो नैरोवर पोर्शन है. कोलोन इज अ नैरोवर पोर्शन. कोलोन लीड्स टू द रेक्टम. रेक्टम जो होता है यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका टेम्पररी स्टोरेज होता है. या हम कहें फिकल मटीरियल जो होता है उसका टेम्पररी स्टोरेज होता है. एंड फ्रॉम रेक्टम द फूड गोज टू द एनस. एनस से, बॉडी से बाहर जो वेस्ट मटीरियल है, फिकल मटीरियल है, वो बॉडी से बाहर आ जाता है. तो अभी तक हमने प्रॉपर जो देखा वो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की हमने स्टडी करी. एक रिकॉल ले अगर हम फटाफट, तो माउथ, माउथ के अंदर हमने पढ़ा टंग एंड टीथ. देन हमने पढ़ा फेरिंग्स जो कि कॉमन पैसेज था. फेरिंग्स से हमारा गया इसोफेगस में फूड. इसोफेगस से स्टमक. एंड फ्रॉम स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट या और सबसे छोटा पार्ट ड्यूडेनम. ड्यूडेनम से जेजनम, देन इलियम, देन सीकम, कोलोम, रेक्टम एंड देन एनस. In this way, we had done all the organs of our digestive system. अब हम पढ़ेंगे digestive alimentary canal के अंदर में. Starting में जब हमने topic शुरू किया था तो हमने देखा था हमें एक तो पढ़ना है जितने भी organs है वो, और दूसरा हमें पढ़ना है जो glands उन organs से associated है. अब हम पढ़ेंगे glands. Glands associated with human digestive system. ग्लैंड्स क्या होता है इसको थोड़ा सा एक अगर हम ओवरव्यू लें. सबसे पहले वाटर ग्लैंड्स. ग्लैंड्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सीक्रीट करता है कुछ जूसेस. उसके सीक्रीशन को हम जूस कह सकते हैं, एंजाइम्स कह सकते हैं. ग्लैंड्स से जो सीक्रीट हो रहे हैं एंजाइम्स, वो जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है उसको सिंपलर वन में डिवाइड कर देता है. बस इतना ही काम है ग्लैंड्स का. ग्लैंड्स आर द स्ट्रक्चर्स विच सीक्रीट्स some secretions and their secretions are known as juices या enzymes. juices या enzymes. और ये complex food material को simpler one में convert कर देते हैं. complex food को simpler one में convert कर देगा, ये इनका काम है. एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट. हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल ले लें, अल्टीमेटली द कार्बोहाइड्रेट विल ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज. तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है एंड इट विल ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज.
कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली चेंजेस इनटू ग्लूकोज. फैट्स है, फैट्स विल चेंज इनटू फैटी एसिड्स और एंड ग्लिसरॉल. फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. एंड प्रोटीन्स विल चेंजेस इनटू अमाइनो एसिड. एंड जो भी प्रोटीन्स है वो चेंज होते हैं अमाइनो एसिड्स में. सो इन्हीं प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होती है. एंड एंजाइम्स आर सीक्रेटेड बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्लैंड्स. तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी ग्लैंड्स है हम उनको देखते हैं. सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम आवर माउथ. क्या माउथ में फूड डाइजेस्ट होता है? यस, फूड का एक पार्ट माउथ में भी डाइजेस्ट होता है. सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे माउथ के अंदर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सलेवरी ग्लैंड. सलेवरी ग्लैंड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड. ह्यूमंस के अंदर 3 pairs ऑफ सलेवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट. ह्यूमंस में 3 pairs ऑफ सलेवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट. 3 pairs होते हैं. एक होता है ईयर के नीचे जिसको हम पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, पैरोटिड. एक होता है सब लिंगल जो टंग के नीचे होता है. एंड अदर वन इज सब मैक्सिलरी जो लोअर जॉ के नीचे होता है. ये तीनों ग्लैंड्स जो है पेयर में होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर. सलेवरी ग्लैंड रिलीजेस या सीक्रेट्स an enzyme which is known as salivary amylase. Salivary amylase. इसका दूसरा नाम है टाइलिन. Salivary amylase is also known as टाइलिन. P is silent in this. P-T-Y-L-I-N. टाइलिन. Salivary amylase acts on starch. अब ये करता क्या है? Starch के ऊपर act करता है. And it converts starch into maltose. See students, maltose is also a kind of carbohydrate. Carbohydrates जो होते हैं glucose के polymers होते हैं. Carbohydrates are the polymers of glucose. अगर glucose के खूब सारे chain बन जाएं, then it forms what? Carbohydrates. Maltose is also a carbohydrate, but it contains 2 polymers of 2 units of glucose. Maltose में 2 unit glucose की present होती है. So starch जो है उसमें लंबी chain present है, उसको salivary amylase enzyme जो है वो convert कर देता है maltose में. And maltose is also contains 2 units. Maltose contains 2 units of glucose. Now see एक और चीज. स्टार्च जो होता है वो टेस्टलेस होता है. स्टार्च का अपना खुद का कोई टेस्ट नहीं होता. एंड माल्टोज जो होता है वो टेस्ट में स्वीट होता है. अगर आप आज जब रात को डिनर करें तो चपाती का एक टुकड़ा विदाउट एनी करी और समथिंग एल्स अगर आपने मुंह में डाल के च्यू करते हैं और उसको थोड़ी देर तक मुंह में ही रखे रहने देते हैं. देखिए हमारे फूड का जो डाइजेशन है इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ. तो अगर हम मुंह के अंदर ही खाने को डाइजेशन करना शुरू कर देते हैं तो हमारे स्टमक को थोड़ा कम काम करना पड़ता है. इसीलिए सब लोग कहते हैं खाने को अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए. जब आप खाने को च्यू करोगे मुंह में बार बार उसको घुमाओगे तो सलाइवा का सिक्रीशन होगा और सलाइवा कंटेन्स एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज जिसका दूसरा नाम है टाइलिन. और टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है. हाँ हम खाते जो रोटी का टुकड़ा आपने लिया मुंह के अंदर वो टेस्टलेस होगा अगर आप उसमें कोई चीज नहीं ऐड कर रहे हो तो विदाउट करी अगर आप उसको ले रहे हो. आप उसको मुंह में च्यू करते जाएंगे तो जो उसका स्टार्च है इट विल चेंजेस इनटू माल्टोज एंड आफ्टर फ्यू सेकंड्स यू विल फाइंड अ स्वीट टेस्ट इन योर माउथ. आपको मुंह में मीठा टेस्ट लगने लगेगा. वो मीठा टेस्ट क्यों आया? क्योंकि आपका जो रोटी का स्टार्च था वो कन्वर्ट हो गया माल्टोज के अंदर. सो यहीं से डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है. तो सबसे पहले क्या डाइजेस्ट हो रहा है? स्टार्च डाइजेस्ट हो रहा है. किसमें कन्वर्ट हो रहा है? माल्टोज के अंदर. तो हमारे माउथ या बकल कैविटी में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है? सलेवरी ग्लैंड. कितने पेयर्स है जी? 3 pairs है. कौन कौन से? पैरोटिड, सबलिंगल, सबमैक्सिलरी. कौन सा एंजाइम सीक्रेट कर रहा है? सलेवरी अमाइलेज या टाइलिन. कहां पे एक्ट कर रहा है? स्टार्च पर. स्टार्च को किसमें कन्वर्ट किया? माल्टोज में. सो दिस वॉज अबाउट द सलेवरी ग्लैंड.
अब अगर हम मुंह से नीचे आए तो इसोफेगस, इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं है और इसोफेगस में कोई एंजाइम या कोई सीक्रीशन भी नहीं होता। अब हम अगला पढ़ेंगे स्टमक।